शिवम शिवम जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबे लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्ड। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्तु भाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको शिवागो.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्ण को मारना क्यों ज़रूरी था। देखिए, तो सर्वविदित है कि कर्ण के रहते हुए महाभारत युद्ध को नहीं जीता जा सकता था। वो किसी भी तरह से अर्जुन से कमज़ोर नहीं थे। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच युद्ध था। ऐसा युद्ध जो परिवार के बीच ही लड़ा जा रहा था। कई योद्धा थे और पूरी दुनिया के योद्धाओं ने इसमें भाग लिया है। महाभारत एक ऐसा काव्य ग्रंथ माना जाता है जिसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध के दौरान ऐसे कई उपदेश दिए हैं जो न केवल उस समय धनुर्धर अर्जुन के काम आई, बल्कि आज के समय में भी ये उपदेश मानव जीवन के लाभकारी माने जाते हैं। और एक वही प्रसंग है कर्ण और अर्जुन का जो हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं। महाभारत युद्ध के दौरान कौरव और पांडव दोनों की सेना में कई योद्धा मारे जा चुके थे, जिसके बाद अब इस युद्ध में अब बारी थी अर्जुन और कर्ण के आमने सामने की। दोनों एक दूसरे से डटकर सामना कर रहे थे, पर विधि का विधान था। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धस गया, शाप थे उनको। कर्ण ही एक ऐसा योद्धा था जो अर्जुन को मार सकते थे। युद्ध के दौरान कई बार कृष्ण ने अर्जुन से परंपरागत नियमों को तोड़ने के लिए कहा, जिससे कि धर्म की रक्षा हो सके। कर्ण की हत्या भी महाभारत का एक ऐसा ही हिस्सा है। कर्ण सूर्य के पुत्र थे, जिन्हें सूर्य भगवान ने रक्षा के लिए कवच और कुंडल दिए थे। कर्ण महाभारत के सबसे दिलचस्प चरित्र माने जाते हैं। पर कर्ण को 3 शाप मिले हुए थे। पल भर में आग बबूला होने वाले परशुराम ने शाप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वो झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए जब भी तुम्हें इस विद्या का सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तो तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्यास्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। कृष्ण ने इसी शाप का इस्तेमाल कर कर्ण का अर्जुन के हाथों वध करवाया था। और भी शाप मिले हुए थे। जब उनका पहिया धस जाता है तो वो भी एक शाप के तहत ही ये था कि उन्होंने एक गौ की हत्या कर दी थी अनजाने में, तो उन्हें शाप मिला था कि पृथ्वी तुम्हारे पहिए को जकड़ लेगी। तो जो पहिया था वो जमीन में धस गया था, और अपने रथ को जमीन में धसता देख दानवीर कर्ण रथ से उतरकर पहियों को निकालने का प्रयास करने लगे थे। उस समय अर्जुन ने अपने धनुष को उठाया और उस पर चढ़ा वान चलाना चाहा, पर उस समय कर्ण ने अर्जुन से कहा कि कायरों की तरह व्यवहार करना बंद करो, निहत्य पर प्रहार करना तुम्हारे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देता। मुझे रथ का पहिया निकालने दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा, तो कुछ देर रुको। कर्ण की ये बातें सुनकर तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब कोई अधर्मी संकट में फंसता है तभी उसे धर्म की याद आती है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, जब धृत की रा में कपट हो रहा था, तब किसी ने ना धर्म की याद नहीं आई। तुम भी वहाँ पे बैठे हुए थे, तुम्हें याद नहीं आई थी, किसी ने धर्म का साथ नहीं दिया था। वनवास के बाद भी पांडवों को उनके राज न लौटाना, 16 साल के अकेले अभिमन्यु को अनेक योद्धाओं द्वारा घेर कर पराजित कर मारना, क्या यह धर्म नहीं था? तो उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था कर्ण, क्योंकि अभिमन्यु को मारते वक्त भी तुम वहीं पे थे। तो श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर कर्ण निराश हो जाता है। उस समय उसे धर्म की बातें करने का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि जाने अनजाने में उसने सदैव अधर्म का ही साथ दिया था। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम रुको मत, तुम वान चलाओ। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, ना कि वो पहुंचने का रास्ता। महाभारत में भगवान कृष्ण का पहला लक्ष्य धर्म की रक्षा करना था और अधर्म का नाश करना था, और धर्म की रक्षा करने के लिए कृष्ण नियमों को तोड़ने से पीछे नहीं हटे, और कर्ण की हत्या उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि युद्ध के दौरान कर्ण निहत्य थे। जब फाइनल उनका जब मृत्यु होती है, तब कृष्ण ने अर्जुन से कर्ण को मारने के लिए कहा था। महाभारत का युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, क्योंकि युद्ध परिवार वालों के बीच में था, जिससे किसी एक को तो मरना ही था। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए कृष्ण ने निःशस्त्र कर्ण को मारने का फैसला किया था। कर्ण को सबसे शक्तिशाली माना जाता है और अर्जुन को मार सकता था वो, इसलिए कर्ण को किसी तरह भी मारना जरूरी था। कर्ण मौत के बाद आगे चलकर पांडवों की महाभारत में जीत हुई थी, तो अर्जुन ने तुरंत कृष्ण की बात मानी। अर्जुन ने तुरंत ही कृष्ण की बात मानकर कर्ण पर प्रहार कर दिया, और बाण लगने के बाद श्री कृष्ण ने कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा की थी, परंतु कर्ण द्वारा हर बार दुर्योधन के अधार्मिक के कामों में सहयोग करने के कारण ही उसकी मृत्यु का असल कारण बना था। कोई भी कृष्ण के कर्ण को मारने का सही जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जो धर्म के रास्ते पर चलेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। कर्ण गलत नहीं था, सिर्फ उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया था, और चूंकि कर्ण गलत नहीं था, यही वजह है कि उनकी मौत के बाद भी दुनिया भर और पूरी दुनिया उनकी नाम इज्जत से लेती है और उन्हें इज्जत देती है और इज्जत से उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि जब जब अर्जुन का नाम आएगा तब तब कर्ण का नाम जरूर आएगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।